कौन है ये आदमी? ये है पर्सी स्पेंसर। और वो कौन है भाई साहब? माइक्रोवेव की खोज के लिए इन्हीं को थैंक यू बोलना है। चलो जानते हैं इनकी कहानी फास्ट फॉरवर्ड में। जन्म हुआ 1894 में। एक साल बाद पिताजी चल बसे। माँ ने अच्छी परवरिश के लिए भेज दिया चाचा चाची के पास। 8 साल बाद चाचा भी चल बसे, तो घर चलाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ करना पड़ा काम। एक दिन मिली खबर के लगने वाली है नई पेपर मिल जो चलेगी बिजली से, तो पढ़ डाली सारी किताबें। किस चीज की? करंट और इलेक्ट्रिसिटी की। फिर हुआ इंटरव्यू और लड़का हो गया सिलेक्ट। 18 का होने पर चला गया नेवी में, जहां सीखने को मिला रडार के बारे में। तो बन गया लड़का एक वैज्ञानिक और बनाई एक नई रेडियो मशीन, पर मशीन ने जेब में रखी हुई चॉकलेट को पिघला दिया, वो भी बिना अपने वैज्ञानिक को पता लगे। फिर क्या था? मशीन को बंद करा एक डिब्बे में और बन गया अपना माइक्रोवेव। अब आपके लिए सवाल, माइक्रोवेव किस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन का इस्तेमाल करता है?